वो सूट मुझे सूट नहीं किया, मुझे बाहर रोक लिया। अपने आप को देख ले। कौन है ये? चैनल, आज हम आए हुए हैं आगरा। ऐसा पहली बार नहीं है कि हम आगरा आए हैं, तीन या चार बार या पांच बार आई थिंक आए होंगे आगरा। आई थिंक पंकज को अच्छे से याद होगा। आज हम स्पेशली आए हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कुकू अभी तक आगरा नहीं आया था, ताजमहल नहीं देखा था। और मेरी छोटी सिस्टर काफी टाइम से बोल रही थी कहीं घूमते हैं, क्योंकि जब से बच्चे हुए तब से हम कहीं जा ही नहीं पाते। पास में ही है आगरा हमारे घर से, तो दो ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं। इसको पकड़ना जरा, लोई लोई कर ले मेरे बेटू। तुम दो मिनट काम करोगे, वहां लेके चले जाओगे। टुडे इज संडे, आते वक्त ब्लॉग इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा उस मूड में थे नहीं, थके आ रहे थे, रात में अच्छे से सोए नहीं थे। मैं सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का टूर कराना चाह रही हूँ, क्योंकि जब से मैं अंदर एंटर करी हूँ तब से मुझे मन था कि ये दिखाऊं, क्योंकि रूम इतने बड़े नहीं है लेकिन बहुत ही क्यूट और बड़े। ये नई प्रॉपर्टी है तो इसलिए पंकज इज सिटिंग राइट देयर एंड इसको देख लो, इसका आप बैकग्राउंड साउंड आपको मिलेगा इसका। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बच्चा अपने पापा के साथ खेलता है और मम्मी के साथ लोता है, मम्मी के साथ लोई लोई करता है। ये पता नहीं बच्चों को कहाँ से पता चल जाता है, मम्मी के पास जाना है तो रोना है, पापा के साथ जाना है तो खेलना है। एनीवेज, मैं प्रॉपर्टी का टूर कराने वाली थी। ये उबासी लेता हुआ इंसान। सबसे बेस्ट चीज जो यहाँ पे है मुझे जो लगी, इतना बड़ा जो मिरर लगा हुआ है ना, बहुत ही बेहतरीन मिरर है, मिरर। और ये छोटू सा हमारा रूम है बट बहुत ही क्यूट है, पर हमारे कुकू से ज्यादा क्यूट नहीं है, है ना कुकू इस। अब मूड में आया हुआ है, मूड में है पापा के साथ। और दिस इज द टीवी, इज अनदर मिरर विच इज, मैंने बहुत रेयर ऐसी प्रॉपर्टी में देखा कि तीन चार मिरर घर में लगा रखे हो, मतलब रूम में लगा रखे हो। और ये बॉटल मुझे बहुत ही अच्छी यूनिक सी लगी है, जनरली प्लास्टिक की बॉटल होती है बट इट्स गुड 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 गुड। एंड दिस इज दी व्यू, सिटी व्यू है, ग्रीनरी है। फोन उठा लीजिए पंकज महाराज। यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रखने का सामान है सारा। यहाँ पे एक और मिरर है और ये कुकू। एंड दिस इज दी वॉशरूम, एंड वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन। आप क्या कर ले हो बच्चा, अपने आप को देख ले। कौन है ये कौन है कुका, कौन है ये? ये तो क्यूट बच्चा है मेला, ये तो मेला क्यूट बच्चा है, क्यूट बच्चा है। इसके नीचे आ जाएगा। कहाँ जा रहा है बो। कैसे करेगा कुकू, कैसे करेंगे? कर दो ऐसे कर दो। अभी एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि अभी ना जाएं ताजमहल देखने, बिकॉज अभी क्या ना बहुत गर्मी हो रही है, सो हम सोच रहे हैं शाम के वक्त जाएं और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि और क्या क्या करेंगे। ऐसा भी हुआ है आगरा हम गए हैं होटल में, अपना स्टे किया और चले गए। तो मैंने सोचा अगर वो करेंगे तो फिर मैं नहीं व्लॉग करने वाली हूँ। सो आज फिर आशन का नहीं, बच्चों को घुमाना है तो हमें जाना ही जाना है। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। A few moments later.
Much later. खाना वाना हो गया अच्छे से, बाहर से खाना मंगवा लिया था, बहुत ही ऐसे यम्मी ऐसा लग रहा था शादी वादी में खाना खा रहे हैं। और अब कुकू उठ गया है और मेरे कपड़े भी आपको चेंज लगे होंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू ताजमहल, जिसके लिए हम आए ऑब्वियसली। तो किसके लिए आए बताओ? चेंज के लिए भी आए बट अभी आगरा आए हैं तो ताजमहल तो देखेंगे ही, हमने इतनी बार देख लिया है तो एक बार कुकू और दिशु का भी बनता है। नहीं कुकू, कुकू इज बिजी, ही इज वेरी हंग्री क्योंकि ये सुबह भी इसको जल्दी उठा दिया था ब्रेकफास्ट के चक्कर में, इनकी नींद और ख़राब हो जाती है बच्चों की। एंड कुकू इज इंजॉइंग, रोज मम्मा खिलाती कभी पापा का भी नंबर आता है ना। सो क्या बोल रही थी मैं ये कह रही थी कि मैंने ये सूट पहन लिया है और ये बहुत बार पहन चुकी हूँ मैं सूट, पूजा वूजा में भी पहन चुकी हूँ, बट मैं दूसरा जो लाई थी ना वो सूट नहीं किया मुझे, वो सूट मुझे सूट नहीं किया। इसमें एक चीज़ थी, मैंने जुगाड़ किया इंटरनेट में देख देख के ना, ये थोड़ा सा फिटिंग कम हो रही थी ना, तो मैंने क्या किया कि इसमें ये सिक्का फंसा लिया दो साइड से और थोड़ा सा ये फिट सा हुआ तो है, बेटर है पहले से, और बस टचअप करूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने कर ही लिया था जब आई थी यहाँ पे। टचअप मैं बताऊँ मैं ये पीछे कमेंट्री करने का तो इतना शौक है ना पंकज को, और जब मैं एक्चुअल में ले आऊँगी ना कैमरा सामने तभी मुँह में बोलते रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय रहेगा, रहेंगे भूखी है, भूखी है मेरी कुकी। चलो कुकी उसके बाद तैयार होना है, आपकी छिछते तैयार हो गई है। एंड व्यू तो एकदम ज़बरदस्त है, एकदम ग्रीनरी वाला व्यू है, मज़ा आ गया देखकर है ना। अंदर से तो लग रहा है मौसम इतना अच्छा हो रहा है बाहर, और बाहर जाएंगे ना ऐसे चिल चिलाती धूप लगेगी ना। वैसे तो बादल है, लेट्स सी कैसा होता है, बारिश वारिश आती है कि क्या। रूम में इतने मिरर है ना कि हर एक मिरर के आगे मुझे खड़े होने का मन कर रहा है। आई एम सो लाइकिंग इट। हम तैयार हो गए हैं और हम चल पड़े हैं ताजमहल की ओर। अभी तक मैंने हेलो करवाया ऑडियंस से, तो मैंने कहा चाचा अभी करवा लेते हैं, तो हम दोनों ऐसे रेडी हो गए बिल्कुल इंडियन अटायर ले लिया है क्योंकि हम यू नो अच्छे मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं। तो दिशु कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? दिशु बोल दो हाय, तो दिशु यार से हाय, हाय हाय बोल दे, वाओ बोलो बस इतना, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। कुकु तो हमारा बार खोया रहता है, डूबा डूबा रहता हूँ। हमारे होटल से है 2.5 किलोमीटर दूर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो वहीं मिलते हैं पहुँच के। हाय कुकू, कैसे लग रहा है ताजमहल आकर? और पंकज इतना मन था ताजमहल आने का ना, कुछ ना। पंकज जब भी आता है हमेशा यही बोलता है कि मैं रुकूंगा और तुम लोग जाओ। क्यों पंकज आखिर आप ऐसा क्यों बोलते हो? Because I watched Taj Mahal several times. Okay. So I don't want to see one more time. हाँ तो होता है. Same thing. So many times that doesn't make a difference. ना वही चीज़ वैसी रहेगी. हाँ. तो हमने तो देख लिया ना. कुकू ने तो नहीं देखा. मैडम बंद करो. कितना टाइम हो रहा अभी? 5:30 बोल रहे थे, फिर 10 मिनट बचे हैं एंट्री कर लो। और इतनी बुरी चीज़ है ना यहाँ पे कि तुम कैमरा ले जा सकते हो, फ़ोन ले जा सकते हो, लेकिन सेल्फी स्टिक या कोई ट्राईपॉड नहीं ले जा सकते। आई डोंट नो क्या रूल है यहाँ पे, और मुझे बाहर रोक लिया, हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि मैं ले आई थी तो मुझे अंदर एंट्री करने के लिए मना कर रहे थे, कह रहे थे या तो बैग में रख लो। बैग में रखने के लिए ठीक है, हाथ में ले जाने के लिए ठीक नहीं है, पता नहीं।
कि गवर्नमेंट क्या रूल बनाती है, आई डोंट नो। बट एनीवेज एक्चुअली गर्मी इतनी हो रही थी, 10 मिनट रह गए थे तो मुझे जल्दी हो रही थी और मुझे इसलिए गुस्सा आ गया। बट मैंने कुछ लड़ाई उड़ाई नहीं की। हाँ, मुँह थोड़ा सा खराब हो गया, बट इट्स ओके। थोड़ा सा गर्मी थोड़ी सी है बट बेटर है। मतलब हम लास्ट टाइम जून में आए थे तब तो ऐसे भयंकर गर्मी हो रही थी। पुक्कू के लिए तो बेस्ट जगह है, पुक्कू यहाँ पे इतना अच्छे से दिखेगा ना, चारों तरफ बस देखता ही रहेगा, ऑब्जर्व ही करता रहेगा। वो नॉर्मल कमरों में इतना देख लेता है चारों तरफ। एक फोटो तो करा सकते थे वहाँ पे, तो मिल जाएंगे। Much, much, much later. Hey guys, we are reached at hotel and Kuku is fine now because उस time पे क्या था कि इसने पॉटी कर दी थी और ये लोई लोई कर रहा था। एक्चुअली गर्मी भी थी और बच्चे बाहर जाके गर्मी में परेशान हो जाते हैं और दोनों ने ऐसे हल्ला मचा रखा था। बस कैसे तैसे हम आए हैं निकल के। A little longer than a few minutes later. Next morning. Good morning guys. रात को मैंने व्लॉग नहीं किया, उसके दो रीज़न थे। एक तो इसकी मेमोरी फुल हो गई थी कैमरा की, और उसके दूसरा रीज़न ये था कि बच्चे दोनों बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गए थे। बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है। और रात को वीडियो बनाने की शुरू कर रही थी बार बार तो नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने सोचा छोड़ो थोड़ा सा चिल करो। दूसरा, जब बच्चे होते हैं ना तब प्रायोरिटी एक्चुअली बच्चों को ही दी जाती है, एंड माई बच्चा इज स्लीपिंग राइट देयर। हम उठे हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है। और हम जैसे बहुत से लोग हैं जो लेट सोते हैं, ऑब्वियसली सब इंजॉय करने के लिए आते हैं तो टाइम पे तो कोई सोता नहीं है, और सुबह ब्रेकफास्ट होता है तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है। घर जाके बना लूँगी अगर थोड़ा बहुत, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी अपने अपने टॉडलर को उठाऊँ मैं। 2000 years later. Hey guys, welcome back. हम पहुंच गए थे दिल्ली कल, और not दिल्ली, sorry, in Noida. Before ending this vlog, मैं कुछ चीजें दिखाना चाह रही थी जो मैं वहां से लेके आई थी। बेस्ट चीज हमने करी, वहां पे जाके हमने फोटो सेशन करवा लिया। और देखो ताजमहल में सही बताऊँ तो बहुत कुछ करने को नहीं होता। फॉर चेंज हम गए और बच्चों को लेके गए। आई नो उनको याद नहीं होगा बट मेमोरी तो होगी, फोटो होगी, तो फोटोग्राफ्स उनको बड़े होकर दिखा सकते हैं एटलीस्ट कि तुम्हें बचपन में लेके गए थे। तो या वो भी एक मोटिव था। हमने ऑलमोस्ट 9-10 फोटोज वहाँ करवाई, तो उन्होंने हार्ड कॉपी भी दी, वो मैं अभी दिखाऊंगी। वो भी एक पार्ट है जो मैं वहाँ से लेके आई। हमने जब क्लिक करवाई, 9 फोटोज क्लिक करवाई कुकू के साथ, और कुछ हमने अपने कपल वाले शॉर्ट्स भी डाले। तो मतलब देखा जाए तो इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट, और इतना मतलब महंगा भी नहीं था। लास्ट हम गए थे उत्तराखंड, गर्जिया मंदिर में मैंने नहीं खिंचवाई, तो मुझे रिग्रेट हुआ कि मुझे खिंचवा लेनी चाहिए थी एक फोटोग्राफ एटलीस्ट। और आई बॉट कान्हा जी, मेरे मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं थे तो हर चीज जो है मार्बल की ही मिल रही थी, तो ये बहुत ही मतलब क्यूट से कान्हा जी थे। हमारे पास एक अपना कुकू है, वो हमारा कान्हा ही है। और इसके अलावा एक मैंने बैंगल ली, दिस इज वाइट बैंगल, ऐसा कुछ मेरे पास है भी नहीं, दिस इज प्योर वाइट, एक तरीके से कड़े ही है, तीन का सेट है, मैंने अपने हिसाब से ही लिया। और मार्बल का है तो ऑब्वियसली कुछ यूनिक ही है। सो या दैट्स इट, वी एंजॉयड आवर ट्रिप, इट वॉज अ गुड चेंज फ्रॉम द डे टू डे लाइफ। इफ यू लाइक माई व्लॉग सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। नोएडा के आसपास या दिल्ली NCR के आसपास कोई अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो सो दैट वी कैन गो, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत दूर दूर जाना मतलब इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो अभी हाल फिलहाल मैं सोच रही हूँ कुछ दिन तक आसपास ही जाते हैं।
Thanks for watching my vlog. Please like this video and support my channel. And yeah, see you in my next one. Till then, bye-bye. Take care. Don't forget to smile. Bye.